गौरव गौरव मुझे ठीक से अपना चित्र क्यों नहीं बना दे रहे हो? तुम लोग मेरे साथ एक मजेदार खेल खेलोगे? हाँ जरूर खेलेंगे। ये मेरे गुरु जी ने सिखाया था। मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम लोग मेरे इस गेंद को घुमाने के अनुसार चित्र बनाना। अरे गेंद को धीरे धीरे घुमाओ, मैं ठीक से अपना चित्र तो बना लूं। अरे मेरा भी पूरा नहीं हुआ। सौम्या, महक, गौरव और ये गेंद आधा भाग काला आधा सफेद, मैं समझ गया, शायद तुम लोग चंद्रमा का खेल खेल रहे हो। हाँ भैया। अच्छा, चंद्रमा के बारे में मेरे पास भी कुछ है, क्या तुम लोग जानना चाहोगे? हाँ भैया, क्यों नहीं। तो फिर आओ मेरे पास। गौरव थोड़ा पास आओ और आ जाओ। अच्छा, तुम लोग चंद्रमा का खेल खेल रहे थे। हाँ भैया। तो चंद्रमा के बारे में तुम्हें थोड़ी सी जानकारी जरूर होगी। हाँ भैया। तो क्या जानते हो भाई, हमें भी तो बताओ। जिस प्रकार सारे ग्रह सूर्य के उपग्रह हैं, उसी प्रकार चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। बिल्कुल सही। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक कहा तुमने कि जैसे जिस प्रकार पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार चंद्रमा में भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। हाँ, अरे भाई तुम्हें तो बड़ी जानकारी है, लेकिन एक बात बताओ सौम्या, गौरव की बात ध्यान से सुनी तुमने? हाँ भैया। इसने कहा कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश ही नहीं होता। जब चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता तो फिर चंद्रमा चमकता कैसे है? चंद्रमा उसी के प्रकाश से चमकता है जो सारी दुनिया को चमकाता है, यानी कि सूरज। बिल्कुल सही कहा तुमने, चंद्रमा सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है। हाँ। अब हम तुम्हें ढंग से समझाते हैं, मेरे पास कुछ चित्र भी हैं। देखो, तुमने कहा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, बिल्कुल सही बात। अब चंद्रमा का आधा भाग, एक समय में चंद्रमा का आधा भाग सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और चमकीला हो जाता है। फिर ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जो कि हमारी पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितनी देर में पहुंचता है? 1.25 सेकंड में पहुंचता है। अब देखो, जैसे ये हमने चित्र में लिख रखा है, क्या लिखा है पढ़ो तीनों लोग। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। याद रहेगा तुम्हें? हाँ भैया। ये प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। भैया, चंद्रमा का वह भाग जिसमें अंधेरा रहता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, यह बात हमारी समझ में नहीं आई। देखो हम तुम्हें समझाते हैं। जैसा हमने बताया कि चंद्रमा का एक समय में आधा भाग सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और चमकीला हो जाता है, जबकि दूसरा भाग उसके विपरीत दिशा में होता है, यानी वो तो सूर्य के सामने नहीं होता। सूर्य के सामने नहीं होता तो उस पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो उसमें अंधेरा रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है। पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ यह अपनी धुरी पर भी घूमता है। पृथ्वी का चक्कर लगाने में यह समय लेता है 27 दिन 8 घंटे का समय। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन 8 घंटे। हाँ, चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है, अपनी धुरी पर भी घूमने में है और एक चक्कर पूरा करने में यह 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। कितना समय लेता है? 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। तो हमने अभी दो बातें बताई, एक तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो कितना समय लेता है। अब पढ़ो ये मैंने क्या लिखा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। हाँ, और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में भी 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। इसी कारण
इसी संयोग के कारण जो भाग अंधेरे में रहता है ना, वो हमारी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। अब बात समझ में आ गई? हाँ। अच्छा सौम्या, एक बात बताओ कि जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से, जब चंद्रमा को तुम देखते हो तो सबसे खास बात तुम्हें क्या नजर आती है? चंद्रमा का घटना और बढ़ना। बिल्कुल सही, चंद्रमा का घटना और बढ़ना, चंद्रमा का चमकीला भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, एक पतली सी कोर लेकर बढ़ता है। एक चित्र के द्वारा हम तुम्हें दिखाते हैं। अब इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना। चंद्रमा का चमकीला भाग एक पतली सी कोर से लेकर बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये बड़ा और चमकीला हुआ, अब आधा भाग चमकीला हो गया, अब कुछ और चमकीला हुआ, और धीरे धीरे ये तवे की तरह गोल हो गया। यानी पूर्ण रूप से चंद्रमा का चमकीला, सारा चमकीला भाग हमारी पृथ्वी से दिखाई देने लगता है। ठीक, अब धीरे धीरे फिर ये घटने लगता है। ये देखो घट रहा है, फिर घटते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। ठीक, तो चंद्रमा के चमकीले भाग में, जो चंद्रमा का चमकीला भाग है, उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन आता है, उसी को हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं, यानी चंद्र कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र कलाएं। और ये तो तुम्हारी कक्षा 5 की किताब में भी तो है, चंद्र कलाएं, है ना? हाँ भैया। हाँ, अब देखो, ये देखो सूर्य की किरणें आ रही हैं ऊपर से। अब हमने ये देखो चंद्रमा है, चंद्रमा का आधा भाग कैसा है? आधा भाग प्रकाशित है। हाँ, आधा अंधेरे में। आधा अंधेरे में, वो हमने कारण तुम्हें बताया, क्यों समझ गए थे ना? हाँ भैया। तो आधा भाग प्रकाशित है और आधा अंधेरे में है। अब ये तुमने देखा कि जब चंद्रमा धीरे धीरे एक कोर से लेकर बढ़ता है और जब चंद्रमा का सारा भाग हमें दिखाई दे जाता है, यानी पूर्ण वृत्ताकार रूप में दिखाई दे जाता है, तो कहलाता है पूर्ण चंद्रमा। क्या बोलते हैं? पूर्ण चंद्रमा। और पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा की रात होती है। पूर्ण चंद्रमा की रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा हमें पूरा गोल दिखाई देता है, देखा है तुम लोगों ने? हाँ भैया। हाँ, तो पूर्णिमा की रात में पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। और देखो मेरे पास एक चित्र और है, चंद्रमा का जो चमकीला भाग धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो बढ़ता गया और ये पूरे तवे की तरह गोल हो गया, तो ये क्या हो गया? पूर्णिमा। और फिर धीरे धीरे घटने लगा, घटते घटते यानी अंधेरा हो जाता, अंधेरा होने लगता है। देखो ये अंधेरा वाला भाग है धीरे धीरे, और एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा का चमकीला भाग एकदम लुप्त हो जाता है, तो वो रात कौन सी रात होती है? अमावस्या की रात। अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? बहुत अच्छा सौम्या, इसने प्रश्न पूछा कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा को अपनी कलाओं, कलाएं हैं, विभिन्न कलाओं को पूरा करने में कितना समय लगता है? यह समय होता है 29 दिन 8 घंटे का। कितना समय लगता है? 29 दिन 8 घंटे का समय लगता है। और यह 29 दिन 8 घंटे का समय कहलाता है चंद्रमास। क्या कहलाता है? चंद्रमास। हाँ, चंद्रमा को एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में कितना समय लगता है? 29 दिन 8 घंटे का। इसी के आधार पर हमारी पंचांग में विभिन्न त्योहारों की तिथियां निर्धारित होती हैं। ठीक है, ईद है, होली है, दीपावली है, इन्हीं त्योहारों की तिथियां इन्हीं पंचांग में इसी चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होती हैं। अब ये बताओ चंद्र कलाएं किसे कहते हैं? भैया, चंद्रमा का वह भाग जो प्रकाशित रहता है, जो की पृथ्वी से दिखाई देता है तथा जिसकी आकृति बदलती रहती है, उसे ही चंद्र कलाएं कहते हैं। चंद्र कलाओं की ये परिभाषा पढ़ो, क्या होती है चंद्र कलाएं, क्या होती है पढ़ो? चंद्रमा के पृथ्वी से दिखाई देने वाले प्रकाशित भाग की आकृति बदलती रहती है, इसे ही चंद्र कलाएं कहते हैं। बिल्कुल सही। अब एक बात और हम तुम्हें बताते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या तुम लोगों को ये पता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था?
हाँ भैया। हाँ बताओ। चंद्रमा पर पहुँचने वाले सबसे पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे। बिल्कुल सही बताया। चंद्रमा पर 1969 ईस्वी में गए थे। चंद्रमा के बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिली। अच्छा एक बात बताओ सौम्या, तुम्हारा वजन कितना है? 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम। अब बताओ गौरव, मैंने इसका वजन क्यों पूछा? मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने इसका वजन इसलिए पूछा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता है? हाँ भैया। गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर बहुत कम होता है, यानी हमारी पृथ्वी का ये 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए अगर जैसे सौम्या का वजन 24 किलोग्राम, ठीक, अब ये अगर इसको चंद्रमा पर ले जाया जाए, अगर तुम चंद्रमा पर जाओगी तो तुम्हारा वजन कितना रह जाएगा? 4 किलोग्राम। यानी 24 का 1/6 यानी 4 किलोग्राम। अभी तो ये 24 किलोग्राम की है और चंद्रमा पर जाएगी तो केवल 4 किलोग्राम की रह जाएगी। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसी के कारण यहाँ पर गैसें भी नहीं रुकती है और इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो अब चंद्रमा के बारे में इतनी जानकारी मिली तुम्हें। हाँ आप ये देखो, अब बताना ये है कौन सा भाग? अंधेरे वाला भाग चंद्रमा का, कौन सा भाग? अंधेरे वाला। अब धीरे धीरे अब बताना क्या हो रहा है भैया, इसके भाग में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, अब ये आधा काला और आधा सफेद हो गया। हाँ, अब ये पूर्णतः सफेद हो गया है। हाँ, और जब ये पूर्णतः चमकीला हो जाएगा तो कौन सी रात आएगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात।